हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्रीमाजेन प्लस सिरप के बारे में, जो मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स, क्रीमाजेन प्लस सिरप को मेडले फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये सिरप 225 ml के बॉटल में आती है, जिसका मार्केट प्राइस 202 रुपये है। तो चलिए इस वीडियो में क्रीमाजेन प्लस सिरप के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेते हैं। जैसे इस सिरप में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, ये सिरप कैसे वर्क करती है, इसके यूज़ और बेनिफिट्स क्या हैं, साथ ही साथ इसके डोज और ड्यूरेशन, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी जानेंगे। एंड हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी बात करेंगे जिनके साथ क्रीमाजेन प्लस सिरप को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि क्रीमाजेन प्लस सिरप मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सिरप डायबिटीज़ के पेशेंट भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री मेडिसिन है। तो चलिए आप जानते हैं कि इसमें पाए जाने वाले कंपोजिशन कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, इस सिरप में सोडियम पिकोसल्फेट, लिक्विड पाराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शामिल होते हैं। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सोडियम पिकोसल्फेट से। दोस्तों, सोडियम पिकोसल्फेट एक स्टिमुलेटिंग लेक्सेटिव है, जिसका इस्तेमाल कब्ज को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये मेडिसिन स्टूल यानी मल को डिस्चार्ज करने के लिए आंतों के मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे मल पेरिस्टाल्सिस के वजह से आसानी से बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, रिसर्च के आधार पर पाया गया है कि सोडियम पिकोसल्फेट 8 से 10 घंटे में काम करता है, इसलिए डॉक्टर इसे ज़्यादातर रात में लेने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे साल्ट लिक्विड पाराफिन के बारे में। तो दोस्तों, लिक्विड पाराफिन एक लुब्रिकेंट लेक्सेटिव है और ये भी कॉन्स्टिपेशन में उपयोग की जाती है। ये मेडिसिन पानी को ऑब्जर्व करके स्टूल को नरम बनाता है और साथ ही साथ आंतों में फिसलन पैदा करता है। इसके फायदे ये हैं कि ये मल में लिक्विड और फैट को बनाए रखने में मदद करता है और ऑयली होने के वजह से ये कब्ज को आसानी से दूर करने में कारगर होता है। इसी के साथ चलिए इसके तीसरे साल्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में भी बात करते हैं। फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है, जो ऑस्मोसिस के जरिए आंत में पानी की कमी को दूर किए रहता है, जिससे मल नरम बना रहता है और स्टूल पासिंग में आसानी होती है। फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ सीने में जलन और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में भी काफ़ी उपयोग माना जाता है, क्योंकि ये पेट के एसिड के स्तर को मेंटेन करके सीने में जलन, खट्टे ढकार और बदहजमी से राहत दिलाता है। तो अगर इसके यूज़ और बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस सिरप का यूज़ डॉक्टर सीने में जलन, खट्टे ढकार, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन और पेट भारी होने के कंडीशन में करते हैं। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में चलिए इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस सिरप का यूज़ खाना खाने के बाद 10 ml सुबह और 10 ml रात को डॉक्टर द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे डॉक्टर ज़्यादातर कंडीशन में रात में लेने की सलाह देते हैं। और जहाँ तक इसके ड्यूरेशन की बात है तो इस सिरप को 7 से 10 दिनों तक लिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू एज, वेट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में चलिए इस सिरप से जुड़े कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो क्रीमाजेन प्लस सिरप को बिल्कुल सेफ माना जाता है, बट हो सकता है कि इसके यूज़ से लूज मोशन हो या उल्टी हो, तो ऐसे कंडीशन में इस दवा को फौरन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। एंड अगर इसके प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो वैसे पेशेंट जिन्हें किडनी की कोई गंभीर बीमारी हो या कोई ड्रग एलर्जी हो, तो ऐसे मरीजों को इस दवा का यूज़ बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में उन दवाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनके साथ क्रीमाजेन प्लस सिरप को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन एस्प्रिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, पेफिन, एमोक्सिसिलिन और फ्यूरोसेमाइड के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ क्रीमाजेन प्लस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए।